राम राम संगवारी हो, जय जोहार। तो सबले पहले तो आप जम्बू दीदी बहनी मला वर सावित्री व्रत पूजा के बहुत बहुत बधाई हो। और माता सावित्री आप मन के सुहाग के सदैव रक्षा करे, आप मन के सुहाग सदैव अखंड बने रहे, आप मन की जोड़ी सदैव सलामत रहे। तो आज के ब्लॉग के संगवारी हो वर सावित्री व्रत पूजा की स्पेशल। तो मोर पहला उपवास संगवारी हो, तो आज मैं उपवास हूँ। तो चलो दिखाता हूँ कि मैं का तैयारी करता हूँ। अभी तो मैं फल फलहारी वगैरह बनाता हूँ, तो चलो दिखाता हूँ मतलब कि मैं का तैयारी करता हूँ। साथ में पूजा करे पर जाऊँ ओला भी ब्लॉग में दिखाऊँ संगवारी हो। तो बने रहो कंटिन्यू वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दूँ संगवारी हो। चैनल में ना हो तो चैनल में जल्दी सब्सक्राइब कर दूँ, साथ में बेल आइकन के बटन ना दबाए वर्जन बुलाऊँ। तो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में। तो मैं यहाँ हूँ संगवारी हो पूजा के सामान ले बर दीदी के दुकान में। और दीदी जगह ये सब श्रृंगार के सामान ला निकलवा ले हो संगवारी हो। मोला पूरा 16 श्रृंगार चाहिए संगवारी हो। तो दीदी ये सब सामान ला निकाले है, आलता नेल पेंट बिंदी ये सब चूड़ी वगैरह। तो मैं देखा था कि मोला का का चाहिए करके, कुछ छूटे मत ऐसे करके देखा था। तो मैं ये सब सामान ला ले हूँ संगवारी हो। तो देखो संगवारी आज मैं पूरा पूजा के सामान लेके आ गए हूँ। पूजा के सामान में संगवारी हूँ साथ में ऐसे श्रृंगार चढ़ाए बढ़ते, तो मैं पूरा 16 श्रृंगार लेके आ गए हूँ। और ये सब श्रृंगार मैं अलग अलग ला रही हूँ संगवारी हूँ, जला बहुत ही अच्छा से पैक कर दे हूँ ताकि मतलब बिखरे मत ऐसे करके, और बहुत ही अच्छा दिखा थी संगवारी ऐसे पैकिंग करे हूँ। और ऐसे पूजा के सामान ला हूँ संगवारी हूँ, देख सकता हूँ ये बिजना है और कुमारी धागा और जने है और सिंदूर। तो मैं सब पूजा सामान लेके आ गए हूँ संगवारी। और कुछ कच्चा सामान है फल फ्रूट वगैरह फूल पान, तो ये सब लोग मैं कल सुबह लाऊ संगवारी हूँ, ताजा ताजा अभी तो नीला हूँ। तो देखो संगवारी हो अपना रात में वो में मेहंदी लगा थे, बहुत ही अच्छा दिखा थे, देख सकता देखा कैसे लगा जगात संगवारी हो एकदम हलाते डोलाते है, ठीक से लगवाए नहीं ए, आ, अभी लगा था तो नहीं लगाऊ कर बाद आज के बाद कब नहीं लगा दे कैसे लगा देखा पूछ अच्छा नहीं दिखत अच्छा नहीं दिखा बताओ संगवारी अच्छा नहीं दिखत कहा थे आप मन बताओ कैसे दिखत तेन ल पूजा के तैयारी करत हूँ संगवारी हो। वेती पर मैं चावल आटा और हल्दी के रेहन घोरत हूँ बड़ पेड़ में हाथा दे बर। और एती पर संगवारी हो मैं यहाँ 12 ठोक रहल काड़ी में ऐसे बड़ फल बना हूँ बेसन के, देख सकता हूँ। और ये मन है ती पूड़ी बनाए के तैयारी करत है। और ये बड़ फल का नाम से बोलते वाला मेरी जानो संगवारी हो, आप मन जाना हो तो कमेंट करके जरूर बताऊँ। तो एती पर मो सिंघाड़ा बन के रेडी हो गए संगवारी हो। और नियम के अनुसार सबो सामान ला 12-12 ठोक बनाए जाते, तो मैं यहाँ 12 ठोक रहर काली लेके ऐसे बेसन के 12-12 ठोक बड़ फल बनाओ संगवारी हो। और एती मन लइका मन सबो जन पूड़ी चपकत है और ती पूड़ी बनाए के चालू हो गए है। तो फलहारी में ज़्यादा कुछ नहीं बना था संगवारी हो, पूड़ी और सिंघाड़ा और आलू चने की सब्जी अतने अतके बस ला बना था। और तो सबो लइका मन है भीड़े है, देखो चांदनी का बना थे ला ये मन सब भीड़े हुए है। तैती पर हमार पूड़ी बने के चालू हो गए संगवारी हो, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पूड़ी बना थे और बहुत ही अच्छा फूला थे पूड़िया हो। इति पूड़ी बनाए पर कौन आए देख सकता हो, इति पूड़ी बनाए पर सपना है संगवारी हो, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पूड़ी बनाते हैं। और साथ में हमारे मन के बहुत हंसी मजाक चला थे संगवारी हो, कर मन की तैयारी चला थे। अब क्या बेर हो गया तैयार होते चेवन है हो गए कद का बेर हो पूजा करे बर अभी थोड़ा तो तैयारी ये थी कर मन के हो गए है, आओ जाई पूजा करे बर। और ती सामान मन वहाँ पूरा रेडी कर रहे हो गए पूरा तैयारी, आज देखो आज इसे का का बना के रेडी करके रखे है। तो संगवारी हो फाइनली मोर सब तैयारी हो गए फलहारी के सामान है। और आरती थाली भी पूरा तैयार कर रहे हूँ और साथ में श्रृंगार के थाली है पूरा तैयार कर रहे हूँ। तो मैं भी रेडी हो गया संगवारी, तो चलो जल्दी से चलते हैं पूजा करे बार। मैं ना जावा थे पूजा करे बार हो गया तैयार आवती आदे मन जो मन जा छोड़े हुए सानू चलो।
तो संगवारी हो मैं आ गयी हूँ बर पेड़ मेरी पूजा करे बार। और सबले पहले तो ये करके साफ सफाई करके मैं एक लोटा गंगा जल और दूध लेके बर पेड़ के परिक्रमा करा था और बर पेड़ में दूध और गंगा जल अर्पित करा था। तो आगे के पूजा विधि ले मैं चालू करा था संगवारी हो। तो सबले पहले तो एक लोटा गंगा जल और पानी लेके मैं पूजा करे के जगह में छिड़का था और पूजा करे के जगह ला शुद्ध करा था। तो सबले पहले संगवारी हो अब मैं गौरी और गणेश की स्थापना करा था और साथ में जो कथा पुस्तक ला हूँ ओला भी मेरे साथ में होकर रखा था। ये वो कथा पुस्तक है संगवारी हो जिला में यहाँ पूजा करे के बाद कथा पढ़ूँ और साथ में मैं यहाँ बरपत्ता में सत्यवान और सावित्री बना के ला हूँ संगवारी हो ओला भी साथ में कर स्थापना करा था। तो अब मैं एक एक करके बाकी की पूजा के सामान ला निकाला था संगवारी हो जैसे कि ये बिजना हरे और मैं दो ठो बिजना ला हूँ संगवारी हो। एक ठो मैं बर पे ला हवा दे के महाराज ला दान करूँ और दूसरा बिजना ला मैं घर ले जाके अपन पति ला हवा करूँ। तो मैं दो ठो बिजना ला हूँ संगवारी हो ऐसे एक ठो बिजना पे भी हो जाते और तो मैं बिजना ला चढ़ा देता हूँ और बाकी पूजा के सामान ला मैं देखा था संगवारी हो और एक एक करके पूजा के सामान ला निकाला था और ये जनेऊ संगवारी हो जिला में गौरी गणेश में चढ़ा देता हूँ और यही जनेऊ ला संगवारी हो आखिरी में पूजा के बाद में अपन घर ले जाके अपन बजदेव के पूजा करके ओला पहना हूँ। तो अब मोर गौरी गणेश और सत्यवान सावित्री की स्थापना हो गई संगवारी हो और बाद में मैं दिया जला दे हूँ और दिया जलाए के बाद में मैं सबो देवी देवता में इसने एक एक करके तिलक चंदन करा था। तो सबले पहले तो मैं गौरी गणेश में तिलक चंदन कर दे हूँ संगवारी हो और बाद में मैं सत्यवान और सावित्री में तिलक चंदन करा था और बाद में मैं बर पेड़ में तिलक चंदन करा था संगवारी हो। तो इसने बढ़िया ढंग ले सुमार के सबो देवी देवता में इसने एक एक करके तिलक चंदन में करा था। तो अब मैं सबो देवी देवता में तिलक चंदन कर दे हूँ संगवारी हो और तिलक चंदन करे के बाद में अब मैं फूल पान चढ़ाऊँ। तो फूल पान चढ़ा ले सबो देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते संगवारी हो हमारे मन के मन बहुत ही अच्छा लगते देख के। तो मैं सबो देवी देवता में इसे एक एक करके फूल पान चढ़ाता हूँ। तो साथ में मैं ला हूँ संगवारी हो मोगरा फूल के माला और ये माला बहुत ही बढ़िया दिखाते संगवारी हो बहुत ही बढ़िया कर खुशबू आते। तो इला मैं अभी गौरी और गणेश ला पहना था। तो साथ में मैं जो भी सोलह श्रृंगार ला हूँ संगवारी तो सोलह श्रृंगार ला भी सबू देवी देवता में बढ़िया मन ने सुमर के स्पर्श करके मैं चढ़ा था और सोलह श्रृंगार ला चढ़ाए हूँ संगवारी और चढ़ाए के बाद में मैं नारियल श्रीफल ला हूँ। तो अब मैं वो नारियल श्रीफल ला गंगा जल में गंगा जल छिड़क के और फूल पान ले के और साथ में तिलक चंदन करके मैं सबू देवी देवता में भेंट करा था। तो मैं नारियल ला सबू देवी देवता में भेंट करके चढ़ा दे हूँ संगवारी हो। तो मैं नारियल श्रीफल चढ़ाने हूँ संगवारी हो नारियल श्रीफल चढ़ाए के बाद में अब मैं अगरबत्ती जलाऊँ और अगरबत्ती जला के सबो देवी देवता की पूजा अर्चना करूँ। तो अब मैं अगरबत्ती जलाने हूँ संगवारी हो अगरबत्ती जलाए के बाद गौरी गणेश और सत्यवान सावित्री के पूजा अर्चना करत हूँ और बढ़िया मल्ल सुमर के गौरी गणेश और सत्यवान सावित्री मनात और मोर से जो भी भूल हो रही ओला मैं भगवान से माफ़ी मांगत हूँ। काबर की मोर पहला उपवास है संगवारी हो तो मोला उपवास के पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है जितना मोला पता चले है तो मैं ओकर हिसाब से पूजा पाठ ला करत हूँ। साथ ही नियम के अनुसार मैं 12 ठोक बर्फल ला हूँ संगवारी हो रहर काढ़ी और बेसन के मैं 12 ठोक बर्फल बनाऊँ तोला में भी चढ़ा दूँ संगवारी हो और नियम के अनुसार सब वो चीज़ ला 12 ठोक चढ़ाए जाते संगवारी हो। तो मैं अभी 12 दोना भोग बना के ला हूँ 12 ठोक आमा और चना और चूरमा बना के ला हूँ तो ओला में अभी भोग लगा था। तो आप मन के नहर कहाँ का चीज़ के कहाँ का बना के कौन से फल के भोग लगा था संगवारी हो तो ओला आप मन एक बार जरूर बताऊँ। खबर की सबो डहर के नियम अलग अलग होते संगवारी तो आप मन का का चीज़ बना के भोग लगा था तो ओला एक बार कमेंट करके जरूर बताऊँ। और हमार डहर तो ये सब चीज़ के भोग लगा था संगवारी हो तो मैं बढ़िया 12 ठोक ये चीज़ लगा हूँ और भोग लगा था।
और ये हरे रेहन संगवारी हो, एला मैं घर से घोल के ला रहे हूँ। ये चावल आटा और हल्दी के घोल हरे संगवारी हो, एला मैं घर से रेहन बना के ला रहे हूँ। काबर की बर पेड़ में पांच हाथा देना रही थे संगवारी हो, तो मैं ला पांच हाथा दे बर ला रहे हूँ। अब मैं बर पेड़ में पांच हाथा देता हूँ संगवारी हो। जब नवा घर के पूजा होते संगवारी हो तो इसने हाथा देते, और मैं वही टाइम इसने हाथा देवत देखे रहे हूँ। तो अभी मैं हाथा देता हूँ, पूजा करता हूँ था बर पेड़ में, तो मोला बहुत ही अच्छा लगा थे। तो हाथा तो दे डालू संगवारी हो, और हाथा दे के बाद मैं इसे तिलक चंदन करना दी थे। तो मैं यहाँ पांच हाथ दे हूँ, और मैं ऐसे बढ़िया ढंग ले तिलक चंदन करा था। तो अब बार ये संगवारी हो परिक्रमा करेगी, और परिक्रमा करे पर कुंवारी धागा चना और चूड़ी लेके सब जन अपन अपन हिसाब से परिक्रमा करते। तो मैं यहाँ कुंवारी धागा और चना लेके परिक्रमा करा था संगवारी हो, और परिक्रमा करे पर सब जन अपन अपन शक्ति अनुसार, कोई 51 बार, कोई 11 बार, या तो फिर कोई 21 बार, या तो फिर कोई 11 बार, या कोई 108 बार परिक्रमा करते। और मैं यहाँ 11 बार परिक्रमा करत हूँ संगवारी हो। हाँ अभी तो खाली हुआ है। से भेंट लगूं संगवारी हूँ सात बार। अब बारी है संगवारी हो नियम के अनुसार हवा दे के। तो मैं जो बिजना चढ़ा रही हूँ संगवारी हो, ओकर सहायता से अब मैं हवा देता हूँ बढ़िया ठंडा ठंडा शीतल शीतल। और ओला देख के मोला बहुत ही बढ़िया लग गए संगवारी हो, मोरो मन आनंदित हो जाते, और आप मतलब भी देख के जरूर बहुत ही अच्छा लगत हुई संगवारी हो। तो बढ़िया विधि विधान ले सबो नियम हो गए संगवारी हो। अब बारी है आरती करे के, तो चलो आरती कर लेथन गौरी गणेश और सत्यवान सवित्री के, बढ़िया मन ले सुमर के आरती कर लेथन संगवारी हो। अब अपन सुहाग अपन पति के लंबी उम्र के कामना करके सबो देवी देवता ला बने मन से सुवर के सबो देवी देवता के आशीर्वाद ले लेता हूँ संगवारी हूँ। तो आज के उपासला में यही जगह तोड़ा था संगवारी हो, काबर की ये वाला उपासला यही जगह तोड़ना रहे। तो उपासला तोड़े पर
तो अब पहुंच गए संगवारी हो हमन घर, और घर पहुंच के मैं दिया बत्ती करा था, और दिया बत्ती करके मैं पूजा पाठ करा था संगवारी हो, भगवान से यही कामना करा था कि मोर आज के उपवास ला सफल बनाए, और मोर सुहाग की रक्षा करे, और मोर हर मनोकामना ला पूरा करे, यही मैं कामना करके भगवान से आशीर्वाद लेता हूँ संगवारी हो। और माता रानी ने मैं यही कामना करत हूँ संगवारी हो, आज जितना दीदी बहनी मन हाँ वट सवित्री के उपवास रहीस हुई, ओकर मन के हर मनोकामना ला पूरा करे, और ओकर मन के सुहाग के रक्षा करे, माता रानी ने मैं यही कामना करत हूँ। तो अब मैं हमारे पतिदेव के पूजा करूँ संगवारी हो, तो सबले पहले तो मैं आरती करूँ, और अब मैं एक आरती करत हूँ संगवारी हो, तो देख सकते हो ये कितना खुश होते, और खुश होके दोनों हाथ ला आशीर्वाद देते, और मेरा इसने करत देख के मोला बहुत ही हंसी आगे संगवारी हो, और अब मैं आरती करत हूँ, और आरती करे के बाद मैं एक में तिलक चंदन करत हूँ संगवारी हो, और तिलक चंदन करे के बाद में मैं पूजा करे बर गई हूँ, तो गौरी गणेश में जो जने में चढ़ा रही हूँ, तो जने वाला मैं घर ला हूँ संगवारी हो, और जने वाला मोर पति देवला पहना हूँ, और जने पहनाए के बाद में मैं एक से आशीर्वाद लूँ संगवारी हो, और आशीर्वाद ले के बाद संगवारी हो मैं जो बिजनेस लाए हूँ ओकर से मोर पति देवला हवा धूखूँ, तो आगे बहुत ही मजा आने वाला है संगवारी, तो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में। जबरदस्ती पापर याद करते मैं तो उड़ाते नहीं हूँ, उड़ा दू का आतरी से ऐसे धुके धुकू चुड़ाई है का आतरी से मजाक कर तो आज के उपवास मोर बहुत ही बढ़िया रही संगवारी हो, मोर फर्स्ट उपवास है, तो वट सवित्री पूजा की विधि मोला ज्यादा पता नहीं रही संगवारी हो, जितना पता रही उतना मैं करे हूँ, और कुछ भी भूल चुप हो तो आप मन ध्यान मत देना, और आप मन के उपवास कैसे रही संगवारी हो कमेंट करके जरूर बताओ, और एक बार फिर से आप मन वट सवित्री पर्व के बहुत बहुत बधाई हो, और आज के ब्लॉग इतने धूल ले संगवारी हो, मिलबो जल्दी एक नया ब्लॉग में, तब तक पर राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।